हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? एंड आई होप, वी होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ये वाला पैकेज ओपन किया था, जिसके अंदर हमने दो नरिश मंत्रा के प्रोडक्ट्स ओपन किए थे एंड दो प्रोडक्ट्स अभी बचे हुए हैं। सो आज हम उनको अनबॉक्स करते हैं। सो टन See what are we having today? We are having today, this is the toner and this is the hair finishing stick। वो जो आपके छोटे छोटे बेबी हेयर्स को भी ठानने के लिए होती है ना, वो वाले स्टिक है ये, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस वाले के ऊपर। सो इसको हम फटाफट से अनबॉक्स करते हैं एंड अनबॉक्स क्या अनरैप करते हैं ठीक है। तो ये है नरिश मंत्रा का रेडिएंट ग्लोइंग टोनर फॉर मेन एंड विमेन विद विटामिन सी एंड विटामिन B5। और ये है 120 ml का, इसकी क्वांटिटी है 120 ml एंड इसकी प्राइस है, लेट मी चेक, इसकी प्राइस है ₹261। आई वुड लाइक टू ओपन दिस नीचे तक बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू इट्स पैकेजिंग। देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, सी अच्छा लग रहा है ये देखने में, वाह। सो इसका जो ये चीज़ है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। सो नॉर्मल इसकी पैकेजिंग है अपने, ठीक है। एंड टोनर है, टोनर का क्या काम होता है, हमारी स्किन को थोड़ा सा कूल डाउन करने का क्लिंजर, मतलब काइंड ऑफ आपकी फेस वॉश की तरह हो गया। एंड जो टोनर होता है वो काइंड ऑफ आपका हो गया जैसे कि आपने अपनी स्किन के ऊपर गुलाब जल की तरह कुछ लगा लिया, जिसने आपकी स्किन को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया, उस तरीके का होता है टोनर, ठीक है। बेसिकली मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये स्प्रे उसमें होता ना, मतलब स्प्रे करने जैसा, तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, आप इसको ना डैब डैब करके भी लगा सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी ना प्राइस है ₹261 एंड इसकी एक्सपायरी है June 2026। ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है, कॉम्बिनेशन ड्राई नॉर्मल ऑयली सेंसिटिव सबके लिए है। और इसका काम होता है बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का। अब ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं करते, हाइड्रेशन की ज़रूरत है सबको होती है, तो ड्राई वाले ऑयली वाले सब इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करने का करने के लिए। 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं है, तो अच्छी बात है। पैराबिन नहीं है तो हमें पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। अब हम इसको ऑन द बैक ऑफ आवर हैंड इसको हम थोड़ा सा यूज़, ओए नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा है। यार मैंने ना मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं मेरे फेस पे लगा के देखती हूँ थोड़ा सा लेके। किंतु बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है एकदम, वाओ मेरे को एकदम लगाते ही बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, एकदम जैसे हेड एंड शोल्डर यूज़ किया है किसी ने, मिंट वाला हेयर हेड एंड शोल्डर, उसको जब हम हमारे सर पे डालते हैं स्कैल्प पे, तो कैसे एकदम से पूरे शरीर में ठंडा ठंडा सा लगता है, एकदम वो सर की नसों में ठंडा ठंडा सा नहीं लगता मिंट की वजह से, उसके अंदर मेंथोल वगैरह होता है शायद, आई डोंट नो, बट उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर ठंडा लगता है, तो मेरे को बिल्कुल वैसा ही लगा। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल हेड एंड शोल्डर के जो शैम्पू होता है ना मिंट वाला, वैसी सी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर। एंड यस, मुझे ना काफ़ी स्किन के ऊपर हल्का सा स्टिकी है, जैसे लगा के स्मूथनेस नहीं आ रही है स्किन के ऊपर, थोड़ा चिपचिप सा लग रहा है मुझको, ठीक है। एंड पर मुझे स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, जिससे मैंने हैप्पी वाला टोनर यूज़ किया था तो मुझे उससे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो इससे मेरे को वो नहीं हो रही है। एंड मुझे काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है एंड मुझे काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, जिसकी वजह से मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा लिफ्टअप सा हो रहा है। थोड़ी सिट्रेसी सी एंड थोड़ी सी नीम सी की, नीम नहीं कहूँगी मैं, थोड़ी सी मिंट जैसी सी खुशबू है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, यह जो हमारे पोर्स है उनको रिफाइन करने का काम करता है, मतलब कि पोर है जो उनको रिड्यूस करने का काम करेगा ये, ओपन पोर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो। आपकी स्किन का जो टेक्सचर है ये उसको एनहांस कर देगा,
ठीक है, और आपकी अपीयरेंस को एनहांस कर देगा, क्योंकि जब हम टोनर अप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारी स्किन को ना डे बाय डे, अगर आप गुलाब जल भी अपनी स्किन के ऊपर लगा करें तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ना ग्लोई ग्लोई सी लगने लग जाएगी, और ये एक्चुअल में होता है, नहीं विश्वास लगा के देख लेना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमारी स्किन को ना यूथफुल एंड रेडियंट देने में, दिखाने में बहुत मदद करता है। यूथफुल मतलब यंग दिखाने में बहुत मदद करता है। तो अब उसको यूज़ कैसे करना है, आपको उसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको पहले अपने फेस को वॉश करना है, एक फेस वॉश से आपको अपने फेस को वॉश करना है। फिर उसके बाद में आपको ना एक कॉटन लेनी है, एंड उसके बाद में इसके अंदर आप उसको डैप करना, जैसे हाथ में आपने ले लिया और फिर कॉटन लेके डैप करके अपने फेस के ऊपर उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब भाई मुझसे इतने ठंडे नहीं होते हैं तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। आप इसको अपने फेस और नेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, एंड बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको यूज़ करना ट्वाइस अ डे, ठीक है। हाँ देखा, मैंने कहा था ना इसके अंदर सिट्रस सी खुशबू है, वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे भी इन्होंने मैंगो पता नहीं नींबू की फ़ोटो लगा रखी है इसके साथ में, तो शायद इसके अंदर एज एन इंग्रेडिएंट वो होगा, जब भी इन्होंने ऐसे किया हुआ है। आई डोंट नो नाउ कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके, इट्स टोटली रिकमेंडेबल फ्रॉम आर साइड। अब हम ओपन करते हैं इस वाले प्रोडक्ट को। ये है अपने पास नरिश मंत्रा की हेयर फिनिशिंग स्टिक। जब भी हम शैम्पू करते हैं तो हमें ना बेबी हेयर हो जाते हैं, है ना, और वो बाल ऐसे से निकलते रहते हैं, और हमें चाहिए होता है कि जैसे जब आप ऑयलिंग करते हैं या जब अपने बालों में नेचुरल ऑयल आ जाता है खुद से, तो तब जो अपने बाल जिस तरीके से दिखते हैं, आप सोचते हैं कि यार शैम्पू के बाद भी ना बाल में ना वो ही चीज़ रहे, एक हाइड्रेशन से रहे और ये ऐसे बेबी हेयर्स ना हो, क्योंकि वो बहुत गंदे लगते हैं देखने में, तो इसलिए ना फिर हमने ये चीज़ ऑर्डर की है, एंड काफ़ी नीड थी ऐसी किसी चीज़ की तो फिर ऑर्डर कर लिया हमने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे सिंपल ब्लैक कलर की इनकी आउटर कवरिंग, आउटर पैकेजिंग है, उसके ऊपर वाइट कलर से इन्होंने नरिश मंत्रा हेयर फिनिशिंग स्टिक लिखा हुआ है। इसकी एंड इसकी इसकी क्वांटिटी है 12 ml, बट 12 ml के हिसाब से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट है ₹363, तो भाई मुझे तो ज़्यादा लगी, बाकी काम करने पे बात है, ठीक है। वाओ इसकी पैकेजिंग देखो, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम जैसे मस्कारा वगैरह का नहीं होता, बिल्कुल वैसा सही है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये ऐसे इसका खुलने वाला सिस्टम है, एंड स्पूली के साथ आता होगा आई गेस, हाँ जैसे मस्कारा वाला होता है ना, सेम वैसा ही है इसका सिस्टम। ये इसके साथ में ये ब्रश के साथ आया है, ठीक है, ये ब्रश के साथ आया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर अभी लगा ही हुआ है प्रोडक्ट, तो मैं अप्लाई करके देखती हूँ। अरे भाई टिक जा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखती हूँ कि मेरे बालों में ना मुझे फिनिशिंग दिखती है या नहीं दिखती है। मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं ट्राई करके देख रही हूँ सेल्फी वाला कैमरा ऑन करके, एंड लेट्स टेस्ट इट। हाँ यार काम कर रहा है ये, यस इट्स वर्किंग, मतलब मैंने तो अभी कल ही शैम्पू किया था, जानबूझ के किया था मैंने, क्योंकि मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी, ठीक है। तो अब जैसे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर हो रहे थे इस वक्त पे, तो सही टाइम था इसको अप्लाई करके देखने का। अब मैंने क्या किया, सही है यार, मस्त है एकदम। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर ना थोड़ा सा डाल के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने क्या, जैसे मेरे को यहाँ पे बेबी हेयर हो रहा है, मतलब यहाँ बेबी हेयर नहीं है, मतलब सर में फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, मैं स्टार्ट हुई जहाँ पे जैसे आईब्रोज वाला पार्ट होता है, फिर अपना यहाँ से अपने बाल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ से लेके इसको ऐसे ब्रश करना शुरू किया इसके अंदर ना, ये देखो एक सेकेंड रुको आप लोग, ये देखो इसके अंदर ना छोटे छोटे ना, बहुत छोटे छोटे ना ब्रश है, ब्रश टाइप है ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे दांत है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये आपके बालों को ना बेबी हेयर को ऐसे कोम्ब कर देता है काइंड ऑफ, और इसके अंदर ना एक तरीके का ना एक जेल सा है जो ना बालों को ना ऐसे चिपका देता है, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डाल के दिखाते हैं,
ठीक है, ये देखो ये आया इसके अंदर जेल। हाँ तो ये देखो ये इसके अंदर जेल आया, ठीक है। और ये हमने इसको, ये ना सूख जाता है बहुत जल्दी, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये सूख जाता है बहुत जल्दी, इसको ना जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे ऐसे करके अप्लाई हो जाता है, सूख जाता है ये, बहुत जल्दी सूख रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप अप्लाई करोगे ना, तो मेरे को तो वर्क किया है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी इसको ट्राई करके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सो मैं तो इसको आगे जाके डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। एंड आज के लिए हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स थे, एंड होपफुली दोनों का पैसा बच गया, हमारा पैसा वसूल आइटम है, एकदम टोटली रिकमेंडेबल है। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मंगवा लो। थोड़ा सा महंगा है बट अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। एंड आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं हमसे अगली अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर, अब हम चलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टाटा, एन्जॉय।